नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी एक अद्भुत कथा। मैंने पिछली बार भी आपको जो कथा सुनाई थी कि राधा रानी को किशोरी जू क्यों कहा जाता है, तो वो भी एक अद्भुत कथा थी, मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने आपको सुनाई। तो ये भी मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ से मैं ये कथाएँ पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि मैं सोचती हूँ क्यों ना वही कथाएँ या वो कहानियाँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आपको भी पता चले। तो ऐसे ही ये एक अद्भुत कथा है कि भगवान श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध के दौरान 18 दिन, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध है वो 18 दिन तक चला था, उन्हें मूंगफली क्यों खानी पड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी अद्भुत लीलाएं की थी उन्होंने। आपको पता ही है वो कितने छलिया थे, कितने नटखट थे, तो लीलाएं भी उन्होंने बहुत की थी। और पूरे महाभारत का युद्ध जो था वो कितना भीषण युद्ध था, और उन्होंने प्रतिज्ञा भी की थी कि इस युद्ध के दौरान, यानी कि महाभारत युद्ध के दौरान, मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया, उन्होंने बिना कोई अस्त्र शस्त्र उठाए उन्होंने पांडवों को जीत दिला दी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं, तो ऐसी ही एक उनकी अजीब और अद्भुत लीला है, वो मैं आज आपको सुनाऊंगी। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो महाभारत युद्ध के दौरान जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो रोज युद्ध पर जाने से पहले मूंगफली खाते थे। मूंगफली खाने के बाद ही वो युद्ध की तरफ प्रस्थान करते थे। ये उनका रोज का नियम बन चुका था कि जैसे ही युद्ध आरंभ होता था वो अपने मुंह में कुछ मूंगफली के दाने रख लेते थे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के मूंगफली खाने के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ था, और वो रहस्य सिर्फ उडुपी के राज्य का राजा ही जानता था। इस अनोखे रहस्य के पीछे कथा है कि जब महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच छिड़ा, तो दोनों पक्षों ने देश विदेश के राजाओं को युद्ध में उनकी तरफ से सम्मिलित होने के लिए संदेश भेजा। सूचना मिलते ही अनेकों राजा युद्ध में सम्मिलित हुए। कुछ पांडवों के पक्ष से लड़े तो कुछ कौरवों के पक्ष से, परंतु उन अनेकों राजाओं में से एक राजा ऐसा भी थे जो किसी के पक्ष में ना लड़ते हुए भी युद्ध में सम्मिलित हुए। दरअसल उडुपी राज्य का राजा ना पांडवों की तरफ से लड़ा और ना ही कौरवों की तरफ से लड़ा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाभारत के इस भीषण युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, परंतु शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद जब ये वापस अपने शिविर में आएंगे तो इन्हें भोजन की आवश्यकता होगी। अतः हे वासुदेव श्री कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि मैं पांडव और कौरव दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इस कार्य के लिए राजा उडुपी को आज्ञा दे दी। लेकिन जब राजा उडुपी के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो गई, समस्या भी सही थी कि कैसे निश्चित किया जाए कि हर दिन युद्ध समाप्त होने के पश्चात सैनिकों के लिए कितना खाना बनाया जाए, क्योंकि युद्ध में हर दिन अनेकों सैनिक मारे जाते थे। तो अगर ऐसे में यदि खाना ज़्यादा बन जाएगा तो खाने की बर्बादी होगी, और जो माँ अन्नपूर्णा है उनका जो है अपमान होगा, और अगर खाना कम बन गया तो जो सैनिक है वो भूखे रह जाएंगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर अपनी समस्या रखी, तो श्री कृष्ण ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा कि महाभारत युद्ध के दौरान हर दिन मैं मूंगफली के कुछ दाने खाऊंगा। मूंगफली के जितने दाने मैं एक दिन में खाऊंगा, समझ लेना उतने हजार सैनिक उस दिन मारे जाएंगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने राजा उडुपी के सामने एक बहुत बड़ा रहस्य खोल कर रख दिया, जिस कारण से युद्ध में सैनिकों को पर्याप्त भोजन खाने को मिल जाता था, और इससे भोजन भी
बर्बाद नहीं होता था। तो ये थी कथा भगवान श्री कृष्ण के महाभारत के युद्ध की अद्भुत कथा, और उनकी ये भी एक लीला ही है जो मैंने आपको सुनाई, क्योंकि मैंने कहीं से पढ़ी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी सुना दी जाए, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये कथा जरूर पसंद आई होगी। तो इस कथा को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।